नमस्कार, मैं हूं रोहित मौर्य और इस वक्त मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन्होंने लोकगीतों को उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी फेमस किया है। कजरी और ठुमरी को जुबान से लेकर दिल तक पहुंचाने वाली वन एंड ओनली मालिनी अवस्थी जी। आजकल का जो युद्ध है वो युद्ध है बॉलीवुड से लेकर अब वो हॉलीवुड तक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोकगीत जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरह का चैलेंज समझती हैं इसे? जो गाने पीढ़ियों दर पीढ़ी बाप दादाओं के रचने से नई पीढ़ी को सौंप करके हिट हुए, उन गानों का सत्व तो बिना पढ़े जाने कैसे जान सकते हैं? अपने आप को जानना है, लोकगीत जानना। ये नहीं सुन रहे हैं तो कैसे वंचित रह जा रहे हैं अपने आप को पहचानने के जी। अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपनी बोली, अपनी पहचान को आप कैसे जानेंगे यदि आप लोकगीत को नहीं सुनेंगे, जानेंगे नहीं। आप बॉलीवुड सुने, आप यो यो हनी सिंह सुने, आप शकीरा को सुने, सब कुछ सुने जी, लेकिन ये भी सुने। और वो जो पहल है वो घर से होनी होगी जी। आश्चर्य और दुख इसी बात का है कि घरों से ही बच्चों को परंपराओं से जोड़ने की कोई क्रम नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि वो सब खो रहा है, सब खत्म हो रहा है। तो भाई शुरुआत तो हमारी आपसे होगी। एक पहले ग्लोबल म्यूजिक लोग सुन रहे हैं और उसमें उनको कहीं ना कहीं आप यूट्यूब भी दी, आप देखें तो लोकगीत एक कम तमाम गुमनाम लोक कलाकार हैं जिनके आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है डिजिटल होने का एक लाभ ये हुआ है कि कोई भी मुंबई में बैठा हो, छत्तीसगढ़ में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो इंसान किसी को भी कहीं भी सुन सकता है। मैं तो गांव में एक शादी देखने गई थी, मुझे बड़ी चाव से बुलाया था लोगों ने। मैंने जो वहां पहनावा, गाना बजाना और नाचना देखा तो मुझे कितनी तकलीफ हुई कि हम लोग के मन में जो चीज़ बसी हुई है, तो मुझे लगा कि वहां ज़्यादा आधुनिक होने की एक होड़ है और कहीं ना कहीं नीचा करके देखते हैं, कम करके देखते हैं। काहे हम बनना सोहर गाएं, किसी के माथे पे तो कुछ नहीं लिखा रहता जी। कि कौन है जी। कुछ चीज़ों में कभी कभी सख्ती ही सारा काम कर देती है। ज़रूरी नहीं है जी कि सब लोग गलत हैं, और ये आप दिल्ली में बैठे लोग कोई नहीं जान सकते, मुझे को पता है ना, मैं तो खाक छानती हूँ, हमसे ज़्यादा कौन गांव में घूमता है जी, जी, जी। तो मैं इस प्रकार की पहल का तो बहुत 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 स्वागत करती हूँ। जितना संघर्ष किया दिलेर ने कोई सोच ही नहीं सकता, तो गोरखपुर वालों को पता है पूरे तीन साढ़े तीन चार साल 84 के जब दंगे हुए हैं उस समय भी इतने हालात खराब थे और लोगों ने बोला उसको कि तुम छोड़ कर जाओ यहाँ पे, तुम बचोगे नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं उस्ताद के पास हूँ, सुर की चीज़ है, यहाँ पर मेरी जान को कोई खतरा नहीं। वो छोड़ा नहीं उसने, वो गया भी नहीं वहाँ। आज भी फोन पर बात होती है जी, जी। तो वो सीधे यही कहता है कि आई क्यों हिचकिया नहीं मालूम। और मैं इधर से कहती हूँ कौन है मेहरबान नहीं मालूम। तो इस तरह से हम लोग उस्ताद को अपने याद रखते हैं।